जरा सुनाते हैं वहां जो मंत्रोच्चार हो रहा है। ये तस्वीरें आज सुबह की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना में श्री राजा राजेश्वर स्वामी मंदिर में पहुंचे हैं पूजा अर्चना करने के लिए, भगवान का आशीर्वाद लेकर। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से निकल गए और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो प्रचार को धार देते हुए नजर आएंगे, चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। नीरज पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए। नीरज, अगर तेलंगाना की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी के सामने चुनौती बड़ी, 2019 के मुकाबले अपना प्रदर्शन और बेहतर करने की। हालांकि विधानसभा चुनाव जो अभी तेलंगाना में हुए वहां पर कांग्रेस को जो जबरदस्त जीत मिली है उसके बाद कहीं ना कहीं मनोबल पर असर राज्य स्तर पर बीजेपी के पड़ा है तेलंगाना में। नीरज, निश्चित रूप में तेलंगाना एक ऐसा राज्य है जहां भारतीय जनता पार्टी बड़ी संभावनाएं देखती है। 4 लोकसभा की सीटें अभी भाजपा के पास हैं, भाजपा इसे आगे बढ़ाकर 8 तक ले जाना चाहती है। और भाजपा के कई सीनियर लीडर से हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि हमारा जनाधार बड़ा है, हमारी जमीन वहाँ पर बड़ी हुई है और हम वहाँ पर इस नंबर को और आगे ले जाएंगे। फर्क इतना है कि पिछली बार जब 2019 में चुनाव लड़े थे तब उनके सामने जो चुनौती थी वो TRS की थी, यानी कि अब जो BRS हो गई है अब वो थी। इस बार की जो चुनौती है वो कांग्रेस है, लेकिन TRS भी वोट काटेगी। तो तीन, अब एक तरह से कह सकते हैं कि हर सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला है। TRS भी हो गई है, कांग्रेस भी बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है चूंकि उनकी राज्य में सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी स्टेक होल्डर वहाँ 4 लोकसभा सीटों के साथ है ही। तो भाजपा का देखना यह है कि क्या वही पैटर्न रहता है जिस पैटर्न में 2019 का चुनाव हुआ, यानी कि जनता ने राज्य में दूसरी सरकार चुनी लेकिन लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटों पर समर्थन दिया। अगर वही रहता है हिसाब किताब तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी अपनी ना सिर्फ जमीन बचाने पर वहां कामयाब होगी बल्कि कुछ सीटें वहां बढ़ा भी सकती है। और आप विधानसभा चुनाव का अगर आप गौर करें तो विधानसभा चुनाव में उनके पास महज 1 विधायक हुआ करते थे लेकिन आज उनके पास 8 विधायक है। तो भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर वोट परसेंटेज भी विधानसभा चुनाव में उन्होंने बढ़ाया, भाजपा के पास लीडर्स की संख्या भी वहाँ पर बढ़ी है जो दूसरी पार्टियों से आए कुछ सीनियर लीडर्स, मजबूत लीडर्स, उनको भी चुनाव मैदान में भाजपा ने उतारा है। तो कहने का मतलब ये है कि भाजपा तेलंगाना में, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 4 सीटें हैं, 4 सीट से चाहे 1 ही सीट बढ़े वो बढ़ना उसके लिए कमोबेश तय है। अब देखना यह कि कांग्रेस उसमें कितना महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। जी रुमाना, देखना ये भी दिलचस्प होगा कि ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भक्ति वाली तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं इससे कितनी वोट की शक्ति बीजेपी को मिलती है। तेलंगाना से ये तस्वीरें न सिर्फ तेलंगाना में बल्कि आंध्र प्रदेश में भी किस तरीके का इसका इम्पैक्ट रहने वाला है इस पर मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। नीरज, आप रहिए मेरे साथ, जरा रुक कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय भी इस वक्त मौजूद हैं। अभिषेक, इस बीच सबसे बड़ा सवाल इसको लेकर भी बना हुआ है, लोगों में एक क्यूरियोसिटी कौतूहल बना हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है नामांकन कब दाखिल करेंगे, और 14 तारीख जिस तरीके से गंगा सप्तमी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी से जब उनका सीधा रिश्ता जुड़ा तो खुद उनकी तरफ से कहा गया कि मैं ना आया हूं ना लाया गया हूं, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया। ऐसे में गंगा सप्तमी वाले दिन ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नामांकन करना तय माना जाए काशी से? जी रोमाना, जानकारी यही है, सूत्र यही बताते हैं और तैयारियां भी उसी मुताबिक हो रही हैं। 14 मई के मुताबिक ही सारी तैयारियां वाराणसी में की जा रही हैं, उसके पहले एक PM भव्य रोड शो करेंगे, उसकी तैयारियां वहां पर हो रही हैं। प्रदेश संगठन जो है वहां पर बाकायदा इसको लेके मीटिंग हो चुकी है, वाराणसी का जो संगठन है उसकी भी मीटिंग हो चुकी है और ये इस रोड शो को बेहद ही भव्य बनाने की तैयारी। और देखिए, वाराणसी की बात नहीं है, PM के वाराणसी रोड शो करने का मतलब है पूर्वांचल में सीधा मैसेज होना,
हाँ, और पिछली बार भी देखा गया था 2022 के चुनाव में कि जिस तरह से वाराणसी में पीएम ने रोड शो किए थे उसका इम्पैक्ट पूरे यूपी में गया था, विशेष तौर पर पूर्वांचल में गया था। तो इसीलिए ये बीजेपी की भी बहुत ही ज्यादा उम्मीदें लगी हुई हैं पीएम के नॉमिनेशन को लेकर के, पीएम के रोड शो को लेकर के, और उसी हिसाब से पूरी की पूरी तैयारियां की जा रही हैं और उसी हिसाब से पॉलिटिकल मैसेजिंग की जा रही है। जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जो बूथ हैं, 1,63,000 बूथ, आप सोचिए बूथ लेवल तक ये जानकारियां दी गई हैं कि पीएम का रोड शो होगा, उसके मद्देनजर क्या क्या तैयारियां करनी है। और ये तैयारियां सिर्फ वाराणसी के बूथों पर नहीं है, जहां जहां चुनाव बाकी हैं वहां वहां के बूथों पर ये जानकारी दी गई है कि पीएम के इस रोड शो का, पीएम के इस नामांकन का जितना हो सके उतना आपको फायदा लेना है, क्योंकि इसका इंपैक्ट जो है, बीजेपी ये मानती है इसका इंपैक्ट बहुत ही ज्यादा गहरा होने जा रहा है और इसीलिए इस पर निगाहें टिकी हुई हैं। तो मतलब कुल मिलाकर ये कहा जाएगा ना कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक सब कुछ बीजेपी की रणनीति में अगर टिका हुआ है तो उसकी धुरी नरेंद्र मोदी हैं और सब कुछ आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द ही सिमटता हुआ नजर आता है बीजेपी की इस चुनावी राजनीति में। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।